श्रीनगर को बचाना है, श्रीनगर को बचाना है, श्रीनगर को बचाना है, स्मार्ट मीटर हटाना 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 है। गरीबों को अगर रोजगार देना है कांग्रेस को जरूरी लाना है, गरीबों को अगर रोजगार देना है कांग्रेस को जरूरी लाना है, गरीबों को अगर रोजगार देना है कांग्रेस को जरूरी लाना है, गरीबों को अगर रोजगार देना है कांग्रेस को जरूरी लाना है। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्री प्रियंका गांधी जिंदाबाद। इसकी इंडिकेशन सब लोगों को समझ आती होगी लोगों जब हमारी सरकार थी तो यही कांग्रेस लीडर, ये जो हमारे कांग्रेस लीडर्स ने वो भी यहाँ पर प्राइस रखे थे, रेट लिस्ट में मुताबिक थे, बेरोजगारों के लिए थे, गरीब गुरबातों को मद्देनजर रखते हुए तो हमने रेट फिक्स की थी। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे मुल्क के, उस वक्त गैस सिलेंडर को 50 रुपये हमने इंक्रीज किया मुल्क की सालमियत के लिए, क्योंकि उस वक्त बजट का मसला था। तो यही बीजेपी के जो इस वक्त यूनियन मिनिस्टर सिटिंग बैठे हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर इन्होंने धरना दिया, महंगाई हो रही, आज 350 नहीं 600 नहीं 1200 रुपए में गैस सिलेंडर, जो छापरी फरोश है कहाँ वो भरपाई कर पाएगा। अब थोड़ा सा गुजारा हीटर पे होता था, अब इन्होंने उसमें स्मार्ट मीटर लगाए, जो 2 लाख चलाता है दुकानदार उसको 8000 रुपए बिल पे करने पड़ते हैं। अब गरीब इंसान किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारे, जो इन्होंने कहा था 370 हटने के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहेगी, दूध की नदियों की दूर की बात है, अब इन्होंने राशन भी कम कर दिया, कैरोसिन कहीं नजर नहीं आता, हमारे पास चावल बराबर है नहीं, और जो भी इन्होंने दावा किए वो सब शराब साबित हो रहे हैं। हमें जाना है आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑर्डर कहाँ है, बहुत दावे इन्होंने किए, जब अगर एलजी साहब ने ये सेटअप उठाया है, गुड सेटअप, गुड इनिशिएटिव, मगर वो दिखाए ना कहाँ है ऑर्डर, जबानी कागजी घोड़े इन्होंने बहुत दौड़ाए। अब बीजेपी के लोग भी, उनके घर वाले भी नाराज हैं, उनके घर वाले उनको पूछते हैं भाई आप ये क्या कर रहे हो, किस तंजीम का साथ दे रहे हो, 150 लोग कल आपने ही न्यूज चलाई थी वो दूसरे पार्टियों में शामिल होने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके घरों में अकाउंटेबिलिटी लगी है, उनको कोई सुनने वाला है नहीं। आने वाले वक्त में ये प्रोटेस्ट और मजबूत हो जाएंगे। अगर ये कहते हैं कि जमहूरियत का हक है, जरा हमें बाहर निकालने दीजिए, बाहर तो जाने दीजिए ना, गेट तो बंद कर दिया ना, जमहूरियत मुल्क में हम रह रहे हैं, सबसे बड़ा मुल्क है जमहूरी मुल्क है हमारा इंडिया, जो हमारा भारत महान है, मगर हमें बाहर जाने नहीं देते, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए नहीं देते, तो हम किसके किसके पास जाएंगे। शुक्रिया।